हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे सूजी ढोकला, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये 200 ग्राम बारीक सूजी है, सूजी से ही आज हम ढोकला बनाएंगे। दोस्तों हमने 200 ग्राम सूजी लिया, तो 200 ग्राम दही लेंगे और दही को थोड़ा फेंट लीजिएगा। दोस्तों डालेंगे आधा चम्मच नमक और एक चम्मच चीनी और इसे अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों अब डालेंगे हम दो चम्मच रिफाइंड तेल, सिर्फ दो चम्मच ही डालना है और अच्छे से इसे मिलाएंगे। दोस्तों इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे दही का कटोरी को धो के, बहुत गाढ़ा है, और थोड़ा डालेंगे दोस्तों। दोस्तों आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट और अदरक पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला, आप चाहे तो डाल सकते हैं। दोस्तों 15 मिनट तक इसे ढक के रख देंगे। दोस्तों इस बर्तन में हम ढोकला बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा तेल से ग्रीस करेंगे, पूरा तेल इसमें लगा देंगे। दोस्तों यहाँ 2 गिलास पानी है और एक प्लेट को उल्टा करके रख दिया। दोस्तों ये पानी वाला पतीला गैस पर चढ़ा दिया, ये गर्म होगा 2 मिनट तक इसे गर्म करेंगे। दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे एक इनो, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसे अच्छे से मिलाएंगे। इनो डालने के बाद ज़्यादा देर अब फेंटिए मत, बस मिक्स हो जाए। अब बर्तन में डाल के इसे पका लेंगे। दोस्तों अब इसमें डाल देंगे इसे थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। दोस्तों ये मिर्ची पाउडर है, थोड़ा सा इसके ऊपर से डाल देंगे। दोस्तों ये गर्म हो चुका है, अब इसको बीजों बीज में डाल देंगे और फुल हीट में इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद लो हीट में पकाएंगे 15 मिनट तक। अब गैस को हम बढ़ा देंगे। अब हम एक चाकू डाल के देखेंगे कि ये अंदर से पका है या नहीं। चाकू साफ आया, इसका मतलब है अंदर हो गया है, तो इसे निकालेंगे। इसे 2 मिनट तक ठंडा करेंगे। दोस्तों इसका किनारा छुड़वा लेंगे चाकू की मदद से। बहुत जालीदार हुआ है क्योंकि हमने परफेक्ट बैटर लगाया था। अब हम तड़का लगाएंगे। दोस्तों 2 चम्मच डाला तेल, ये सरसों, जब सरसों चटक जाए तो डालेंगे हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची को काट लिया। दोस्तों डालेंगे हरी मिर्ची, दोस्तों डालेंगे कड़ी पत्ता, डालेंगे इसके ऊपर। दोस्तों हमने नींबू नहीं डाला, आप चाहे तो नींबू डाल सकते हैं क्योंकि दही खट्टा था, इसलिए नींबू नहीं डाले। आप चाहे तो नींबू डाल सकते हैं, हींग खाते हैं तो हींग भी डाल सकते हैं। दोस्तों ढोकला रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चलिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों ये गरम गरम बहुत टेस्टी है, तो आप किसी भी चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।